तो दोस्तों इसकी टाइमिंग की वीडियो हम बना रहे थे, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो उसका हमें पार्ट टू भी बनाना पड़ा, तो हम पार्ट टू इसका बना रहे हैं। तो पार्ट टू में कुछ करना कुछ ये है कि हमने टाइमिंग इसका बांध लेना है। बांधने के बाद शटल टाइमिंग बांधने के बाद फिर हमने इसका निडल प्लेट लगाना है। निडल प्लेट लगाने के बाद हमने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है कि निडल हमारा कहीं टकर तो नहीं रहा। ऐसे हमने निडल को एंड पे लाके और फिर ये लीवर हम यहाँ से उठाएंगे, ये वाला लीवर, इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे तो हमारा निडल हिलेगा। देखिएगा हम लीवर उठा रहे हैं और निडल हमारा आगे पीछे जा रहा है। तो हमने ऐसे आगे पीछे से करके देख लेना है कि निडल हमारा कहीं टकर तो नहीं रहा है। अगर निडल टकर रहा है तो हमने प्लेट में इतना एडजस्टमेंट होता है कि हम इसको सीधा कर लें। तो हम इसको फिर सीधा करके ऐसे इस तरीके से फिर हमने इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से प्लेट को। अगर नाइफ़ लगा हुआ होगा तो इधर एक स्क्रू भी लगा हुआ होगा जो मूविंग नाइफ को मूव करवा रहा होगा। तो हमने पहले वो खोलना है, उसके बाद फिर ये प्लेट के स्क्रू खोलने हैं। तो इस मशीन में तो नाइफ़ लगा हुआ नहीं है, जो सीज़र बोलते हैं जिसको, जो शुरू का धागा पकड़ लेता है एंड शुरू में धागा पकड़ लेता है और एंड में भी कटिंग करने के बाद धागा पकड़ लेता है। तो वो सीज़र तो नहीं लगा हुआ है। तो अब हम इसको पोजीशन पे लाएंगे, बूट को अपने जगह पे करेंगे, इसका प्लेट लगाएंगे, निडल ऊपर करेंगे इसका, ये प्लेट लगा देंगे इसका जो हमने दो स्क्रू के साथ खोला था। दोस्तों इसका टाइमिंग पहले से बंधा हुआ था शटल का, तो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि बांधा कैसे जाएगा, बाकी आप खुद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टाइमिंग बांध लेंगे आप, क्योंकि असल चीज़ें समझ में आने वाली होती है कि जब समझ में आ जाएगा तो इंसान काम कर लेता है। तो ये प्लेट का हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। ये टाइट करने के बाद फिर हमने इसका पोजीशन फिंगर लगा लेना है, शटल का पोजीशन फिंगर लगा लेना है और बूट लगा लेना है, फिर हमारा मशीन चलने के लिए रेडी हो जाएगा। मशीन कल्टी कर, दोस्तों ये इसका फिंगर है, पोजीशन फिंगर जैसे सिंगल निडल में लगा हुआ होता है, बनावट अलग अलग है लेकिन ये भी फिंगर का काम कर रहा है। सामने इसका कटोरी है, ये कटोरी का हमने सीधा करना है और इसको ऐसे ले आके बैठा के इसके स्क्रू को हमने टाइट कर लेना, फिर इसमें एडजस्टमेंट कर लेना है इसका कि कितना ऊपर करना है कितना नीचे करना है, धागा हमारा आराम से गुजर जाए फिंगर के अंदर से। ये इसका दूसरा स्क्रू भी लगा लेते हैं। दोस्तों फिंगर लगाने के बाद हमने व्हील को हाथ से घुमा के देख लेना है कहीं अटक तो नहीं रहा, कहीं जाम तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जगह अक्सर जाके ये बॉडी पे टकरने लगता है तो मशीन जाम हो जाती है। तो हमने ये चीज़ लाजमी देखना है घुमा के। और ये हमारा हमारे कटोरी में चाल भी सही है, हमने फिंगर को अब टाइट कर लेना है, इसी तरीके से फिंगर लगा लेना। अब हम इसका बूट लगाएंगे और सिलाई निकालेंगे। दोस्तों ये धागा फंसा हुआ है, धागा भी हमने निकाल लेना है, धागा कोई भी फंसा हुआ नहीं छोड़ना है इसके अंदर, वरना ये धागा तोड़ेगी। इन सब जगहों पे धागा ससर रहा होता है। दोस्तों फाइनली अब हम मशीन को सीधा करते हैं और बूट लगाते हैं, फिर सिलाई निकालते हैं। दोस्तों ये गियर हमने फिर दोबारा अब लगा लेना है इसके अंदर। इसका एक शाफ्ट जो है वो मेन शाफ्ट के साथ टाइट है जो मशीन को मोटर घुमा रही है,
और दूसरा जो शाफ्ट है ये नीचे जो केम लगा हुआ बड़ा उसके साथ टाइट है। तो हमने गियर लगा लिया, बूट भी लगा लिया, अब हम इसको चलाते हैं। नीचे से देख बेल्ट सही चला हुआ है। दोस्तों हमारी मशीन ओके है, पीछे से बेल्ट सही नहीं चढ़ा था इसलिए इसका नाइफ आउट हो रहा था, क्योंकि बेल्ट अपनी जगह पे आके नहीं खड़ा होगा तो मशीन का स्ट्रोप सिस्टम जो है वो सही काम नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बना के दूंगा इसी काज मशीन का स्ट्रोप के ऊपर, कि इसका स्ट्रोप सिस्टम किस तरीके से सही करते हैं। इसमें जो 780 है, 780 है, इसका स्ट्रोप सिस्टम अलग तरीके से सही होता है, और 781 जो होता है उसका स्ट्रोप सिस्टम अलग तरीके से सही होता है। तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि स्ट्रोप सिस्टम दोनों मशीन का किस तरीके से, 780 का और 7801 का, 781 का किस तरीके से स्ट्रोप सिस्टम सेट किया जाएगा। दोस्तों मशीन रेडी है, बॉबिन केस भी हमने लगा लिया और भी सारी चीज़ें लग गई है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। दोस्तों ये हमारा काज बन रहा है, बेहतरीन काज बन रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो के काज मशीन की शटल टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। वैसे अमूमन जो पुराने मकैनिक्स हैं जो इसकी टाइमिंग को समझते हैं वो इतना ऊपर से खोलते नहीं हैं, वो नीचे से देख के, हम लोग भी नीचे से देख के बांध लेते हैं। ये सिर्फ न्यू टेक्नीशियन जो होते हैं उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से इसका टाइमिंग बांधा जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है स्विंग मशीन एडवाइज़र के नाम से, तो मेरा लिंक भी दिया हुआ है मेरे प्रोफाइल के ऊपर, तो अपने दोस्त यारों पे शेयर कर लें उसको, ताकि ज़्यादा लोगों तक का, यानी कि ज़्यादा सीखने वाले लोगों तक का ये हमारी वीडियो पहुंच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।